पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये मात्र दिखावा है जो i.n.d.i.a के कुछ सहयोगी दल जो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं वो गए हैं मणिपुर में। ये लोग और इनकी सरकारों के समय मणिपुर जब जलता था, कई महीनों बंद रहता था, उस समय इनके नेता तो संसद में बोलते तक नहीं थे, इनके तो राज्य मंत्री तक बयान देते थे जब सैकड़ों लोगों की हत्याएं वहां पे हो गई। 6-6 महीने मणिपुर बंद रहता था तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, मुंह में दही जम जाता था। और आज ये i.n.d.i.a के जो सदस्य हैं, ये मणिपुर से जब वापस आए तो मेरा निवेदन है, संसद तो आप चलने नहीं देंगे तो अधीर रंजन चौधरी जी अपने पश्चिम बंगाल प्रदेश में भी लाइए। मेरा सवाल अधीर रंजन चौधरी जी से है, जो इस डेलीगेशन के सदस्य हैं, कि क्या पश्चिम बंगाल में हो रही महिलाओं के खिलाफ अपराध हत्याएं के साथ वो सहमत हैं? क्या वो मानते हैं कि ममता बनर्जी जी के राज में सब ठीक ठाक है? क्या यहाँ पर जो हजारों लोगों को मार पीट कर पश्चिम बंगाल से भगाया गया, उनको घायल किया गया और 57 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, हत्या के रास्ते सत्ता अपनाने का काम ममता बनर्जी के राज में अगर होता है तो क्या इसके खिलाफ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी है, और क्या i.n.d.i.a के ये सदस्य यहां पर भी अधीर रंजन चौधरी जी लाएंगे? दूसरा सवाल मेरा ये है, राजस्थान में जो हत्याएं हो रही, जो दुष्कर्म महिलाओं के साथ हो रहा है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है, तो क्या वहां पर भी लड़की हूं लड़ सकती हूं तो नहीं गई? राहुल जी दुनिया भर को अपना ज्ञान पीटते थे वो तो नहीं गए, तो क्या i.n.d.i.a इनके ये 20 लोग जो गए हैं मणिपुर, क्या वो भी राजस्थान आएंगे? और ये क्या i.n.d.i के ये सदस्य बंगाल और राजस्थान पर भी अपनी रिपोर्ट देंगे?